तो स्वागत है भाई आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने चैनल केपीएम फैंटेसी एक्सपर्ट पर। और आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए कवर करने वाला हूं जो युगांडा मेंस कबड्डी लीग है, इसका भाई जो आज के दिन का आखिरी मैच और टूर्नामेंट का पांचवा मैच जो कि खेला जाएगा शार्क्स कबड्डी जायंट्स वर्सेज मसाका केसी के बीच में। तो इन दोनों ही टीम्स की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक कंप्लीट देख लीजिएगा और वीडियो का कोई भी पार्ट आपको से स्किप नहीं करना है, अदरवाइज इसमें आपका ही लॉस होने वाला है। तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक कंप्लीट देख लीजिएगा। अब अगर यहां पर भाई बात करें मैच के बारे में, तो मैच काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हमारे लिए होने वाला है। उसका एक रीजन भी मैं आपको बता सकता हूं, क्योंकि यहां पर भाई 25 लाख रुपए की ग्रैंड लीग लगी हुई है और इस ग्रैंड लीग के लिए मैं आपको भाई 6 टीम प्रोवाइड करवाने वाला हूं मेरे टेलीग्राम चैनल पर। तो टेलीग्राम चैनल आपको जरूर से ज्वाइन कर लेना दोस्तों। और दोनों ही टीम्स का यह पहला मैच है और यहां पर देखिए शार्क्स कबड्डी जायंट्स और मसाका केसी और शार्क्स कबड्डी जायंट्स दोनों ही एक ऐसी टीम है जिन्होंने भाई लास्ट सीजन ठीक ठाक परफॉर्मेंस दी थी। आप ये नहीं बोल सकते कि आ भाई इन्होंने कुछ मतलब बहुत ही ज्यादा अच्छा कर दिया था, या फिर ऐसा भी नहीं बोल सकते कि इन्होंने बिल्कुल ही कुछ खराब कर दिया था। मतलब एवरेज टीम थी और एवरेज ही टीम इस बार भी इनकी लग रही है जिस हिसाब के दोनों टीम्स के पास प्लेयर्स है। बाकी कुछ नए प्लेयर्स भी दोनों टीम्स के पास है, तो वो कैसे परफॉर्मेंस करते हैं उन्हें उसी के ऊपर भाई इनका पूरा मतलब टूर्नामेंट डिपेंड करने वाला है। यहाँ पर भाई बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जिनका सिलेक्शन काफ़ी हाई दिख रहा है, लेकिन भाई वो आपके लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं रहेंगे। और बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो जिनका सिलेक्शन काफ़ी लो है, लेकिन वो इस मैच में अपने लिए बहुत बड़ा कमाल कर सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक कंप्लीट देखिएगा दोस्तों, अगर आपको इस मैच में काफ़ी सारी विनिंग करनी है तो। और दूसरी बात यार, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मेरे भाई, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, उसका एक रीजन है क्योंकि भाई किसी भी मैच की 6 ग्रैंड लीग टीम आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिलने वाली है। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। नीचे डिस्क्रिप्शन में वीडियो के फर्स्ट कमेंट में लिंक दिया गया है, अगर मान लो बाई चांस लिंक वर्क ना करे तो आप क्या करोगे भाई, आपको सिंपली सर्च करना है @KPM321। जैसे ही आप ये लिखोगे ना, जो सबसे टॉप पर जो चैनल है यही चैनल आपको ज्वाइन करना है। जो नीचे 3 फेक चैनल दिख रहे हैं ना अपने नाम पर भाई, ये बिल्कुल भी आपको ज्वाइन नहीं करने हैं, ये बिल्कुल फेक चैनल है। जो टॉप पर चैनल है यही ज्वाइन करना है। लेकिन एक और भी दिक्कत है भाई यहां पे, देखिए अगर मान लो आपने यूजर नेम थोड़ा बहुत भी गलत लिखा ना, तो भाई फिर आपको ये चैनल दिखेगा नहीं और उस कंडीशन भाई आप किसी फेक चैनल पर फंस जाओगे। और इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि भाई डिस्क्रिप्शन में लिंक और वीडियो के फर्स्ट कमेंट में लिंक, वहां से ज्वाइन करोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। अब चलिए भाई स्टार्टिंग 7 देख लेते हैं दोनों टीम्स की। शार्क्स कबड्डी जायंट्स की बात करें तो भाई एम बिंतो का लास्ट सीजन भी खेले थे और अच्छा खेले थे, आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, हो सकता है इस सीजन भी आपके लिए वैसी परफॉर्मेंस कर दे और आपकी टीम में होने भी चाहिए। टील उवामा अगेन भाई बेहतरीन प्लेयर, 100% आप इसे अपनी टीम में रख सकते हो, बहुत ही शानदार प्लेयर है, लास्ट सीजन भी काफी कमाल किया था। जेम नामुतेते की बात करें तो लास्ट सीजन भी खेले थे, ठीक ठाक प्लेयर है, जीएल मिनी जीएल में ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। सेम ए बुसुलवा के लिए बोलूंगा, जीएल मिनी जीएल में आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। स्मॉल लीग में हालांकि अभी मैं उतना कॉन्फिडेंट नहीं हूं इनको लेकर, बट फिर भी आप ट्राई कर सकते हो। इसके अलावा स्वास्वा एक डिफरेंशियल पिक आपके लिए साबित हो सकते हैं डिफेंस सेक्शन से। बात करेंगे ऑलराउंडर सेक्शन की, तो यहां पर आपको दिखेंगे एम अबोन्या भाई हमारे हिसाब से मस्ट हैव पिक रहेंगे और इवन भाई कैप्टन वीसी के भी अच्छे खासे दावेदार आपके लिए रहने वाले हैं। इसके साथ ही भाई एम वेंडे का ही बात करें, लास्ट सीजन ठीक ठाक परफॉर्मेंस थी, ज्यादा कुछ कमाल भी नहीं किया और ज्यादा खराब भी नहीं किया, बट फिर भी अगर आप चाहो तो आप इन्हें अपनी टीम में रख सकते हो, ठीक है। लेकिन भाई एम अबोन ने आपके लिए एक डिफरेंशियल पिक का काम जरूर से कर सकता है, बहुत ही बड़ा ट्रंप कार्ड प्लेयर रहेगा। और अब अगर बात करें भाई इसके अलावा, तो एम बलेम जी और तुमुसिमी ये भी भाई यहाँ पर लास्ट सीजन में यहाँ पर अच्छे करते नजर आए थे, तो इन्हें भी अगर आप चाहो तो जीएल मिनी जीएल में ट्राई कर सकते हो। बात करें अगर रेडिंग सेक्शन में, तो रेडिंग सेक्शन में कोई ज्यादा बड़ा नाम इनके पास नहीं है, 2 अच्छे प्लेयर है जो जिनमें से किसी एक को अगर आप चाहो तो ट्राई कर सकते हो, एन किगोजी और यहाँ से एम अकी शांति, ये 2 ऐसे प्लेयर है जिन्हें आप अपनी टीम में ट्राई कर सकते हो जो आपके लिए इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं। इवन भाई आप इन्हें जीएल मिनी जीएल में भी अपनी टीम में एज ए डिफरेंशियल पिक ट्राई कर सकते हो। अभी के लिए अगर स्मॉल लीग की बात करोगे, तो इनकी तरफ से स्मॉल लीग में कौन से प्लेयर इंपॉर्टेंट रहेंगे जिनमें से आप
मैं आपको पांच प्लेयर बताने वाला हूँ जिनमें से कोई चार या तीन प्लेयर आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है। वो तो सबसे पहला नाम आएगा एम बिंतोका का, टी लुबवामा का नाम आएगा, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर अगर नाम आएगा वो आएगा भाई एस वसावा का, और इसके अलावा यहाँ पर अगर बात करें ऑलराउंडर सेक्शन की तो एम वेंडेका और एम अबोन्या, इन दोनों को आप अपने टीम में रख सकते हो। इसके अलावा यहाँ से अगर बात करें तो अभी के लिए मैं एम अकी शांति को आपके लिए रिकमेंड कर रहा हूँ। अब अगर बात करें भाई यहाँ से एमएसके की टीम की, तो एमएसके की टीम की तरफ से बात करें तो लास्ट सीजन जो अकेला बंदा लड़ा था ना, जो सिंगल हैंडेडली यहाँ पर जिसने मतलब कमाल किया, जैसे एक जेम्स ससेगंडो है जो वार जगवार्स की तरफ से खेलता है, और वो भाई लगातार अकेले दम पर मैच विन करवाता अपनी टीम को, और सेम भाई ये भी आपके लिए काम वही कर सकता है और आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। लास्ट सीजन वन मैन आर्मी की तरह खेला था, मस्ट पिक रहेगा, इवन सीबीसी का अच्छा खासा दावेदार रहेगा। जैसे सरन जोगी की बात करें तो जीएल मिनीजीएल में आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, इवन अगर आप चाहो तो आप इन्हें स्मॉल लीग में भी लेकर जा सकते हो। बात करें ऑलराउंडर सेक्शन की तो यहाँ पर देखिए जो डब्ल्यू नकरन जीजा है ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, और इनके साथ साथ भाई आई कैसा, इनको भी आप अपनी टीम में रख सकते हो, दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट प्लेयर साबित हो सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर कोई और मेरे को शायद खेलता नजर नहीं आ रहा, और अगर कोई खेलता तो उसकी अपडेट मैं आपको टेलीग्राम पर दे दूंगा, ठीक है। लेकिन भाई यहां से डब्ल्यू नकरन जीजा और आई कवेसा दोनों को आप अपनी जीएल में रोटेशन के तौर पर ट्राई कर सकते हो, और अगर आपको स्मॉल लीग में ट्राई करना है तो देखिए अगर आपको आई सिलेक्शन वाली मतलब एक एवरेज टीम बनानी तो उस कंडीशन में आई कवेसा आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। लेकिन अगर आपको एज ए ट्रंप कार्ड पिक चाहिए और एक मतलब गेम चेंजर प्लेयर चाहिए तो भाई उस हिसाब से डब्ल्यू नकरन जीजा आपके लिए बहुत ही शानदार साबित हो सकते हैं। अब अगर बात करें भाई यहां पर जो डिफेंस सेक्शन है, यहाँ से अगर बात करें तो एच कालिंदा, जेड डांडू का लास्ट सीजन बिल्कुल कम्प्लीटली फ्लॉप गया था, लेकिन भाई प्लेयर बड़ा है, रेपुटेशन बढ़ी है, लेकिन लास्ट सीजन बहुत जो बोलते हैं ना एवरेज से भी एवरेज वो सीजन इनका गया था। तो हो सकता भाई यहाँ पर अब इस सीज़न वापसी कर जाएं, या फिर भाई हो सकता है ये सीज़न भी वैसे चला जाए, तो उस कंडीशन में आप अगर चाहो तो एच कालिंदा या फिर एस लुमू में से किसी एक को अपनी टीम में ट्राई कर सकते हो, ठीक है। अब अगर बात करें टीम की तो चलिए मैं आपको टीम बना के यहाँ से दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले डगलस मुलालीरा हमारी टीम में मस्ट पिक रहेंगे, यहाँ से किसी भी आलमी इन्हें हम ड्रॉप नहीं कर सकते। यहाँ से अगर बात करें डब्ल्यू नकरन जीजा को मैं अपनी टीम में रखूंगा, और इसके अलावा भाई एम अबोन्या को ट्राई कर रहा हूँ। बाकी अगर आप चाहो तो आई कवेसा या फिर डब्ल्यू नकरन जीजा दोनों को अपनी टीम में रख सकते हो, या फिर यहाँ से आप एम वेंडे के साथ भी जा सकते हो। अभी के लिए खैर मैं एम वेंडेका के साथ जाना तो चाह रहा हूं, लेकिन मैं ले ही लेता हूं, बाद में देखेंगे। यहां से अगर बात करें भाई डिफेंस की तो डिफेंस में एम बिनकोता मस्ट पिक रहेगा, टी लुबवामा मस्ट पिक रहेगा। इसके अलावा यहां पर अगर बात करें तो जेन अमुतेते अगर खेलता तो आपके लिए अगेन एक इंपॉर्टेंट पिक रहेगा, बट अभी के लिए मैं उसे ट्राई नहीं कर रहा। मैं एस लुमू को अपनी टीम में रख रहा हूं। इसके अलावा भाई यहां पर देखिए अब हमें ना चाहते हुए भी यहां पर भाई एक लो क्रेडिट का प्लेयर लेना पड़ेगा, तो उस कंडीशन में आप क्या कर सकते हो, या तो आप एस लुमू की जगह पर एस वासवा को अपनी टीम में रखो, लेकिन फिर भी भाई कोई खास फायदा नहीं होगा यहाँ पर। इसके अलावा अगर आप चाहो तो यहाँ पर इससे अच्छा तो भाई एम अकी शांति को अपनी टीम में ट्राई कर सकते हो, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं, और यहाँ से फिर आप एस लुमू को ट्राई कर सकते हो। तो ये भाई हमारी टीम बन गई है अभी के लिए, बाकी हो सकता है फाइनल टीम में कुछ बड़े चेंजेस भी मैं आपको करता नजर आ जाऊँ। तो टीम का प्रिव्यू तो आपने देख लिया, अब बात कर लेते हैं भाई स्मॉल लीग में हमारे सीवीसी कौन रहेंगे, वो भी जानने काफी ज्यादा जरूरी है आपके लिए, ठीक है। तो उसके लिए भाई तीन बेहतरीन ऑप्शन मेरे को नजर आ रहे हैं, वो तीन ऑप्शन कौन से हैं वो आपको दिखा देता हूं, जो जिनके साथ सारी दुनिया आएगी, लेकिन मैं जिसके साथ जाऊंगा ना वो भाई चौथा है, ठीक है, पहले ही बता देता हूँ। टी लुबवामा, एम वेंडेका, डी मुलालीरा, तीन अच्छे ऑप्शन है, ठीक है। अब मेरी टीम का कैप्टन तो रहेगा डी मुलालीरा, लेकिन मैं वीसी बना रहा हूँ भाई एम अबोन्या को। बाकी हाँ अगर आप चाहो तो आप सेफ जाना चाहो तो एम वेंडेका या टी लुबवामा के साथ जा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट मैं अपनी टीम में एम अबोन्या को बैक करके टीम में लेके आया हूँ, तो भाई मैं अपनी टीम में बैक करके इसे वीसी भी बनाकर जा रहा हूँ। हो सकता है भाई फाइनल टीम में ये खेलता नजर ना आए या कुछ और हो जाए, तो भाई वो सारी अपडेट प्लस छः ग्रैंड लीग की टीम आपको मिल जाएंगी मेरे टेलीग्राम चैनल पर। तो टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन कीजिएगा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में वीडियो के फर्स्ट कमेंट में दिया गया है। अगर अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो बहुत ज्यादा कुछ मिस कर रहे हो मेरे भाई, जल्दी से जाइए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, फाइनल टीम फाइनल अपडेट आपको वहीं पर मिलने वाली है। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी, बाकी मैं मिलता हूं आपसे मैच टाइम पर टेलीग्राम चैनल पर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।